एमपी में 28 मंत्रियों का हुआ शपथ ग्रहण, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत 14 बने कैबिनेट मंत्री। मंत्री बनने वालों में ओबीसी कोटे से 12, सामान्य से 7, एससी से 5, एसटी से 4 को मौका, शिवराज ने दी सभी को मुबारकबाद। मोहन यादव सरकार में राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल को मिला राज्य मंत्री का पद। इंडिया गठबंधन में नाराजगी की खबरों पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा हम साथ साथ हैं। उत्तर भारतीयों पर दयानिधि मारन के वायरल बयान से फंसा विपक्ष, बीजेपी ने बिहारी पहचान से जोड़ा, पूछा लालू नीतीश माफी का मांग। अमित शाह से मुलाकात को लेकर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कहा जब भी मिलूंगा तो कुश्ती महासंघ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। WFI के नए चीफ संजय सिंह करेंगे पीएम मोदी और केंद्र से बात, तलाशेंगे कानूनी विकल्प। WFI के निलंबन पर विपक्षी नेता ने दी प्रतिक्रिया, कहा WFI को निलंबित करने का फैसला दबाव में लिया गया। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने संजय सिंह के चुनाव पर सवाल उठाया, कहा जबकि उन्हें आमतौर पर WFI पूर्व प्रमुख का दाहिना हाथ माना जाता था। 24 घंटे में कोरोना के 628 नए केस, देशभर में एक्टिव केस 4000 के पार, JN.1 वेरिएंट के 63 मामले। क्रिसमस के समारोह में शामिल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दी देशवासियों को बधाई, देश के शहर शहर क्रिसमस का जश्न। पीएम मोदी ने क्रिसमस पर कहा आजादी की लड़ाई में ईसाई समुदाय का अहम योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा उनका अतुलनीय व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सदैव अटल समाधि स्थल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, समाधि स्थल पर पुष्पार्पण किया। पीएम मोदी ने मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के बकाये से संबंधित चेक सौंपा। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ इलाके में लगातार 5वें दिन जारी है ऑपरेशन, जंगल से लेकर पहाड़ों तक आतंकियों की तलाश, मौके पर सेना प्रमुख पहुंचे। राजौरी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कानपुर में करण सिंह यादव, कोटद्वार में गौतम कुमार, चमोली में बीरेंद्र सिंह को आखिरी सलाम। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की हिरासत से भागा रेप का आरोपी, 3 साल से था फरार, बहरीन से लौटने के बाद पकड़ा गया था अमनदीप सिंह। गुरुग्राम में एक मंदिर की दीवार गिरी, 5 मजदूर फंसे, बचाव अभियान जारी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी कम होने से धीमी गाड़ियों की रफ्तार हुई। अंबाला में घने कोहरे का प्रकोप का कहर, गाड़ियों की रफ्तार कम। प्रयागराज में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। ग्वालियर में गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे की चादर से लिपटा मेरठ, सड़कों पर रेंगते नजर आई गाड़ियां।